वहीं अब खबर सिरोंज से है, जहां मां बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर जैन समाज उतरा। पैदल मोर्चा निकालते हुए थाना परिसर पहुंचे और थाना प्रभारी संदीप कुमार पवार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अर्चना जैन ने बताया कि मेरी शादी सिरोंज के राजीव जैन के साथ हुई थी। विवाह के एक वर्ष बाद एक पुत्री हुई जिसका नाम श्रद्धा जैन है। वर्तमान में मैं और मेरी बच्ची मेरे माता पिता के साथ बीन में रहते हैं। मेरे पति राजीव जैन विवाह के 3 वर्ष पश्चात से मुझे पुत्री होने का ताना देना और मेरे साथ बात बात पर झगड़ा और मारपीट करने लगे थे और मैं मारपीट और प्रताड़ना सहती रही। उन्होंने कहा कि मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी मेरे पति किसी अन्य महिला के साथ रह रहे हैं और कागजों में भी परिवर्तन कर चुके हैं, जिसका एक बच्चा भी है। वह सभी आरोपों को नकारते हुए राजीव जैन ने उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि मेरा विवाह अर्चना जैन के साथ करीब 27 साल पहले हुआ था। हम दोनों के आपसी विचार नहीं मिलने के कारण उच्च न्यायालय ग्वालियर में मेरे द्वारा अर्चना जैन को 10 लाख रुपए देकर मेरा राजीनामा हुआ है। लगभग 25 वर्षों से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं और मेरे विरोधियों से मिलकर माँ और बेटी मुझे बदनाम कर रही हैं, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी काम कर रही हैं, जिसके लिए मैं उच्च न्यायालय के शरण में जाने के लिए पूरी तरह से बाध्य हूँ। सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। ये आवेदन दिया, इसकी जांच कराई जाएगी, तथ्यों की उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। नियमानुसार जो बनेगा वो करेगी, जो कानूनी प्रावधान होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी बनता है वो कानूनी आधार पर ही किया जाएगा। मैं बीना में अपने पिताजी के घर पर रहती हूँ। नहीं, मुझे और मेरी बेटी को नहीं रखते हैं, घर से निकाल दिया था। दहेज नहीं मिला, मेरे पिताजी गरीब हैं बीना में। नहीं, मैंने कई बार प्रयास किए यहाँ आने के, कई बार थाने भी आई हूँ, समाज के पास भी आई हूँ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और बोले वो नेता है, पुलिस सहायता करती है उनकी, तुम अगर बीना आओगी इधर से रोज आओगी तो तुम्हारे लिए मार डालेंगे, यहाँ पैर नहीं रखना। इस वजह से मैं अपने बीना में माँ बाप के यहाँ रहती हूँ। एक दर्जन जाल साजी और 420 के प्रकरण यहाँ बेचारा दिए हैं, लेकिन उन एक दर्जनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो आज दिया है उसमें क्लियर है 100 बका 1 लिखा। 3 दिन के अंदर अगर ठोस कदम नहीं उठाया तो 4th दिन मैं श्रीमती अर्चना राजी जैन और श्रद्धा जैन अमर अनशन पे बैठेंगे। जलूस सफलता मिली तो जलूस होगा और असफलता मिली तो जनाजा में 10 गुने लोग होंगे। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक दूसरा, सत्य के साथ मीडिया रही है, तालाब में मेरा साथ दिया। अगर आज टीआई साहब के यहाँ भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, हर पुलिस वाले के यहाँ माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद बड़े फख्र के साथ हम ये कह सकें कि मैंने एक घर बसाया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज इस बात का फख्र है, बीना की सांसद इसके साथ है। तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है। हमारे यहाँ स्कूल में इनको टीचर की भी हम लोगों ने सर्विस दी है, बिटिया को। और चूँकि ये बहुत ही संस्कारी और अच्छी महिला हैं, पूरी समाज में कहीं भी चौके होकर महाराज जी का जहाँ भी आना जाना था चौके होके आदि सब में सम्मिलित होकर सहयोग करती हैं। और इतनी अच्छी महिला के लिए इस तरीके से प्रताड़ित करना, मैंने आज पूरी बीना इधर श्रवण समाज से है अब निवेदन किया था कि इन बेटी को, माँ बेटी को दोनों को न्याय दिलाना चाहिए। यह चूँकि बहुत ही प्रताड़ित है और अभी जब हमें पता चला कि उसने तो दूसरी शादी कर ली तो मुझे भी धक्का लगा। तो आज मैं फिर आज यहाँ सरोन समाज के पास आया कि ये क्या हो रहा है, इनके लिए न्याय मिलना चाहिए। अर्चना जैन के साथ लगभग 27 वर्ष पूर्व मेरी विवाह हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्चना जैन को 10 लाख रुपये दिए, तभी से हम लोग अपने अलग अलग रह रहे हैं। जहाँ तक उनकी बेटी का सवाल है तो बालिक बेटी है, उसका पूर्ण भरण पोषण का अधिकार मुझसे बनता नहीं है। इस मामले को लेकर आज जो विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया है भाई, एकदम गलत है। अब सारे आरोप निराधार है। जो मेरे पास हाईकोर्ट न्यायालय की, माननीय हाईकोर्ट न्यायालय की दस्तावेज मेरे साथ हैं और जिन लोगों ने मेरे प्रति अनगल और षड्यंत्र काम किया है उनके प्रति मैं अपनी कार्रवाई करूँगी। हम लोग आए, कई बार आए,
एक बार के इनके पिताजी गुजर गए तो हम लोग आए तो इन लोगों ने अंडा तो जाना दिया। इसके बाद इनने और इनकी बहन ने और तीनों बहनों ने और राजीव ने हम तीनों जनों को मारा। हम लोग थाने आए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, फिर इनने हम लोगों के ऊपर 107-16 चलवाई तो 6 महीना हम लोग यहाँ परेशान रहे। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इनने देखो जैसे कि इनने शादी तो नहीं की, रख ली है, तो शादी एक्ट के मुताबिक दूसरी शादी ये नहीं कर सकते बिना तलाक के, ना उसकी तलाक हुई है। अभी मैं बीना में निवास कर रही थी, नहीं मुझे छोड़ दिया गया था जब मैं पेट में आई थी 3 महीने, तभी मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया गया था। क्या चाहते हैं? हम आपसे न्याय चाहते हैं। उनने किस बेस पे दूसरी शादी करी है? अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है, मैं 25 साल की हो गई हूँ, उनने किस बेस पे तलाक कर लिया? हम इसके लिए न्याय चाहते हैं अपने लिए। मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आप सभी से आग्रह करती हूँ कि मेरे पिता वापस मिले। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, जिस तरीके से देखा गया कि माँ बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब जैन समाज पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आया है, ये पूरा मामला क्या है और क्या मांग की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मामला ये है कि जैन समाज द्वारा अर्चना जैन की शादी सिरोंज के राजीव जैन जी से हुई थी, इनकी 1997 में इनकी शादी हुई, जिसकी 1 साल पूर्व इनको एक लड़की हुई, जिसके लड़की राजीव जैन जी लड़की को होने के पश्चात इनको अर्चना जैन जी को ट्वीट करने लगे और उन्हें कहानी देने लगे कि आपको लड़की हुई है, लड़का नहीं हुआ आपको, तो इस प्रकार से इन्हें कहानी दिए और ट्वीट किया, जिससे उन्हें परेशान होकर सर्व समाज को एकत्रित कर और थाना परिसर में संदीप पवार जी को एक लिखित आवेदन देते हुए बताया कि मुझे मेरे पति द्वारा पीड़ित किया जा रहा है और मैं न्याय की गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। जी अक्षय, क्या मांग की गई है प्रशासन से? क्योंकि जिस तरीके से जो उनके पति हैं उन्होंने पूरी तरीके से उनके आरोपों को खारिज कर दिया है, तो क्या लगता है प्रशासन किस तरीके का आश्वासन अब महिला को और उनकी बेटी को देता हुआ नजर आ रहा है? मांग उनसे ये की गई है मैम प्रशासन से कि मुझे मेरा घर और मेरे पति के घर मुझे वापस भेज दिया जाए और मुझे न्याय दिला दिया जाए। जी, यो के उनने गलत तरीके से एक दूसरी पत्नी को रख रखा है, उसे अगल कर दिया जाए, मुझे मेरा घर में वापसी प्रवेश करवा। ठीक है अक्षय कुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो वहीं जिस तरीके से आपको बताया कि सिरोंज में अब मां बेटी को न्याय दिलाने के लिए जैन समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया है और लगातार मांग की जा रही है प्रशासन से, गुहार लगाई जा रही है कि उन्हें वापस से एक होना है और वो अपने पति के घर जाकर रहना चाहती हैं।